हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और लक्ष्मी की रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मैंने गुड़ चीनी के बिना ही बनाया है, जिसे इसका नाम है तिल की चिक्की। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक यहाँ पर तिल की और दूसरे बतासे की। तो बतासे की हम बनाएंगे चाशनी, और ये मैंने तिल लिए हैं घर के। तिल मैंने एक कटोरी लिए थे और उससे थोड़े से एक्स्ट्रा मैंने लिए थे बतासे। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। आगे की प्रोसेस में हमें बतासों को मिक्सी में ग्राइंड करना है, हमें इनका एक पाउडर बना लेना है। अब हमें तिल को अच्छे से साफ़ करके उसे धो लेना है। हमें तिल भले ही देखने में साफ़ लगते हैं लेकिन उसमें किसकिसाहट जैसा होता है, तो उसके लिए हमें उन्हें धो लेना है। तो उन्हें धोकर मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने इन्हें डाल दिया था। अब हमें तिल को थोड़ा सा भूनना है। तिल को भूनने से यहाँ हमें दो फायदे होंगे, एक तो उसका मॉइस्चराइज़र निकल जाएगा और दूसरा तिल में कच्चापन होता है वो भी निकल जाएगा। तो तिल को हमें थोड़ा सा भूनना है। जब तिल भून जाते हैं तो उसमें से एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। तो 2 से 3 मिनट में तिल भून जाते हैं। जब तिल भून गए थे तो मैंने उन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। तो मैंने देखे बतासों को ऐसे पाउडर की फॉर्म में ले लिया था। अब एक पैन मैंने फिर से गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून घी। घी इसलिए डाला है, इसमें हमें भूनना है इस बतासे के मिक्सचर को। तो इसमें मैंने इसे डाल दिया है। अब मैंने इसे चला चला कर भूना है। जब हम इन्हें भूनना शुरू करते हैं तो पहले ये थोड़ा सा चिपकता है, और चिपकने के बाद इसमें ना डरी सी बननी शुरू हो जाती है, ये थोड़ा हार्ड सा हो जाता है। इसलिए हमें इसे मिक्स करते हुए, डरियों को फोड़ते हुए इसे चलाते रहना है। इसमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। तो देखिए कैसे डरी सी बनने लगी। तो मैंने उन्हें ऐसे फोड़ फोड़ कर इसे चला लिया। अब ये थोड़ा सा पिघलने लगा था। पिघलने के बाद में ये एक चाशनी की फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये लास्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो जिसे हमें दबा के फोड़ना है। तो देखिए कैसे टाइट से इसकी डरी बन गई थी। अब मैंने इसे और अच्छे से भून लिया है, तो ये पिघलने लगा है, दिख रहा होगा पिघलते। तो पिघलने के बाद कुछ ऐसा इसका कलर आ गया था ब्राउन कलर में। हमें इसके बाद इसे ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसमें जो गांठें हैं ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएं, उतनी ही देर तक हम इसे भूनेंगे। तो गांठों को मैंने ऐसे फोड़ दिया था जो रह गई थी इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने चला लिया था। तो अभी आ चुका था एकदम चाशनी की फॉर्म में। अब हमें इसे में डालने होंगे तिल। तो तिल हम जब इसमें डालेंगे ना, तो हमें उसे अच्छे से एक बार जल्दी से मिक्स करना होगा, नहीं तो ये जम जाता है जल्दी। तो मैंने इसे तिल को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तिल डालने से पहले ही मैंने एक बर्तन को घी लगाकर तैयार कर लिया था, उस बर्तन में ही हम इसे जमाएंगे। तो अगर आप घी ना लगाना चाहें तो कोई बटर पेपर भी इसमें लगा सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसी ट्रे हो जिसमें आप इसे जमाना चाहें। तो बस हम इसे 2 से 3 मिनट इसमें पका के हम इसे निकालेंगे बर्तन में। तो देखिए बर्तन में मैंने इसे निकाल दिया था। हमें इसे जल्दी से कोशिश करना होगा कि जल्दी से बर्तन में निकाल के फैला दें। मैंने इसे बर्तन में निकाल दिया था। अब मैं इसे फैलाने के पहले ही चिपकता है, हम जिस चीज से फैलाते हैं ना इसको, तो उससे ये चिपकता है। तो इसे धीरे धीरे प्लेट को इधर उधर फैला के मैं इसे अच्छे से फैला दूंगी। जब हम इसे फैलाएंगे तभी थोड़ा थोड़ा ठंडा होके जमने लगता है। तो हमें ना तो साथ के साथ इसे इसके पीसेस हमें कट कर लेने होंगे। जैसी शेप आपको पसंद हो आप वैसे इसे कट कर लेना। तो मैंने इसे ऐसे ही धीरे धीरे स्क्वायर सी शेप में काट के रख दिया था। तो देखिए ये ना काटने में भी चिपक रहा है। अगर आपको इसे और पतला करना है तो आप इसे और पतला सा फैला सकते हैं। तो मुझे थोड़े से ऐसे पीस चाहिए थे तो मैंने इसे इतना ही फैलाया। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, आप चाहें तो इसे 1-2 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और नहीं ये ऐसे बनाते हैं तो बहुत कुरकुरी भी बनती है। हम इसे चीनी और बिना गुड़ के बनाते हैं, क्योंकि चीनी तो सर्दियों में नुकसान देती है और गुड़ हम यूज़ नहीं करना चाहते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे बतासों से बनाया है, बतासे सर्दियों में हमें फ़ायदा करते हैं। तो देखिए इसके पीस हो गए हैं कट के तैयार। अब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए जमने के लिए ऐसे ही रख दिया था। अब हमारी ये
हो गई है जम के तैयार, तो मैं दिखाती हूँ कितनी आसानी से ना प्लेट से निकल जाएगी। पूरी निकल गई थी और जो बाद में थोड़ा सा फैला था तो उसकी वजह से सारे पीस ये चिपक गए थे। तो मैं बहुत ही पतली भी बनी थी।